माननीय राज्य मंत्री विधि न्याय सूचना खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने जिला महिला चिकित्सालय में निर्मित 100 सैया मैटरनिटी विंग हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने बिल्डिंग बनने के उपरांत अभी तक उक्त हॉस्पिटल के चालू न होने पर चिंता जाहिर करते हुए भवन की गुणवत्ता की जाँच एवं बनाए जाने के बाद इसके चालू न होने की जाँच कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रस्ताव बनाकर शीघ्र इसे चलाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री जी ने महिला चिकित्सालय की ओपीडी एवं जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय में पानी की समस्या पर नगर विधायक मनीष सिया ने उसमें वाटर कूलर की व्यवस्था करवाए जाने के लिए मंत्री जी से अनुरोध पर सहर्ष संस्तुति व्यक्त की और कहा कि जल्द ही वाटर कूलर की व्यवस्था करा दी जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। एक लाइन का कंक्लूजन जो हास्यपद है कि ठेकेदारों को क्लीन चिट देने के लिए बिल्डिंग बना दी गई, ठेकेदारों को प्रसन्न करने के लिए बिल्डिंग का ठेका दे दिया गया, ठेकेदारों द्वारा सरकार को खुश करने के लिए बिल्डिंग बना दी गई और बिल्डिंग का लोकार्पण भी हो गया हॉस्पिटल के नाम पर, लेकिन हॉस्पिटल अब तक चालू नहीं हुआ। मई 2016 में हमारे पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, अखिलेश जी द्वारा लोकार्पण भी कर दिया गया, आज तक चालू नहीं हुआ। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। यह देख करके बहुत ही अद्भुत लग रहा है कि यहाँ के सांसद उनके परिवार के लोग हैं, यहाँ के विधायक उनके परिवार के लोग रहे हैं, पूर्व में यहाँ के लोग मंत्री रहे हैं, यहाँ उनका कर्म क्षेत्र है और उसके बावजूद भी जनता को छलने के लिए, ठेकेदारों को खुश करने के लिए, विभाग के अधिकारियों को खुश करने के लिए और अवैध धन अर्जन के लिए, ये मैं आरोप लगाता हूँ, अवैध धन अर्जन के लिए बिल्डिंग भवन बना दिया गया और हॉस्पिटल नहीं खुला गया। हम खुलवाएंगे। एक कल्पना ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर जो छोटी मोटी असुविधाएँ हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारे यहाँ के विधायक जो लोग हैं वो लोग हमको उसका प्रस्ताव देंगे, हम लोग शासन से बात करेंगे। डीएम से हमने कहा है कि डीएम साहब ने उसको आगे बढ़ाएंगे। डीएम साहब से मैंने कहा है कि इस हॉस्पिटल में 2-3 दिन का अभियान चला करके सफाई करवाएं और स्वच्छता को बरकरार रखें। नहीं, यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर बनाया गया लेकिन उसमें ट्रामा सेंटर जैसी कोई सुविधा नहीं है, वो भी इमरजेंसी वार्ड में चल रही है। मैंने वो बोला है, अभी हमारे विधायक जी ने भी संज्ञान में लाया, CMO और DM साहब ने भी लाया। मैंने कहा प्रस्ताव बना के दीजिए, उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं और हम लोग जाँच कराएंगे उसमें जो बिल्डिंग बनी है कि किसने बनाया और क्यों हड़बड़ी में उसका लोकार्पण हुआ, किस संस्था से द्वारा बनाया गया और कितने का बनाया गया और कितना खर्चा एक्चुअल हुआ और क्यों इतने हड़बड़ी में उसका लोकार्पण हुआ, इसका हम जांच भी कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री। उसमें गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे जी, एकदम मैंने देखा, अभी साल भर बने नहीं हुए, पीछे के उसके प्लास्टर टूट रहे हैं, इंटरलॉकिंग टूट रहे हैं, दरवाजे नीचे से गल रहे हैं, सब मैंने देखा है। इसकी सबकी जाँच मैं DM को निर्देश भी दिया हूं और शासन स्तर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दे करके उसकी जांच करें। मंत्री, बाहर से आने वाले मरीज यहां पानी के लिए तड़पते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, इसके बारे में वाटर कूलर लगने जा रहा है, तय हो गया।